हेलो फ्रेंड, नमस्कार फ्रेंड। राजस्थान हाई कोर्ट ट्रांसलेटर एग्ज़ाम के इस तीसरी कड़ी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, हम लोग आज की इस तीसरी कड़ी में जानेंगे कि इस परीक्षा में जो ट्रांसलेशन के जो पैसेजेस पूछे जाने वाले हैं और उन पैसेजेस को अनुदित करने के रास्ते में कौन कौन सी चुनौतियाँ आ सकती है और उन चुनौतियों को एड्रेस करके किस तरह से उसका सामना करना है, किस तरह से फिर अंतिम रूप से चयनित होना है, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण यह सेशन रहने वाला है उन सभी के लिए जो इस परीक्षा के लिए जा रहे हैं या इस परीक्षा के लिए आवेदन देना चाहते हैं। फ्रेंड, हम लोग यदि बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रत्येक पेपर में, हम लोग देखें पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा कि प्रश्न कितने पूछे जाते हैं। हालांकि हम लोग इस सेशन में भी जान लेंगे कि कितने प्रश्न और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि हम लोग चुनौतियों के बारे में डिस्कस करेंगे तो इन सभी चीज़ों को लेकर के चलेंगे, तभी हम लोग चुनौतियों को एड्रेस करके फिर चुनौतियों का सामना हम लोग आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड, जो प्रश्न प्रत्येक पेपर में पूछे जाते हैं वे 3 की संख्या में होते हैं और यदि हम लोग बात करते हैं अंकों के अनुपात की, तब हम लोग देखते हैं कि अंकों का अनुपात 40:40:20 हो सकता है, नहीं तो 40:30:30 हो सकता है। अर्थात एक पैसेज काफ़ी बड़ा होगा, है ना, तो 2 पैसेज छोटे छोटे हो सकते हैं और 30 अंक लिए हुए रह सकते हैं, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि 2 पैसेजेस आपको बड़े बड़े प्राप्त हो और 1 पैसेज जो प्राप्त होंगे वे छोटे होंगे संख्या में, है ना, शब्दों की संख्या की यदि ध्यान रखें तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 3 प्रश्नों में मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है। अब बात करते हैं कि इस परीक्षा में जो पैसेजेस पूछे जाने वाले हैं उसकी राह में सबसे पहले जो चुनौती है वो किस तरह की रहने वाली है। फ्रेंड, हम लोग नोटिफिकेशन में ही देखते हैं कि जो प्रश्न जो पूछे जाने वाले हैं वो दरअसल किस तरह के नेचर के रहने वाले हैं। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि रिक्रूटमेंट शैल बी मेड बाय होल्डिंग अ टेस्ट इन इंग्लिश एंड हिंदी ट्रांसलेशन, कैंडिडेट्स शैल बी गिवन पैसेजेस इन इंग्लिश फ्रॉम द जजमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स एंड शैल बी आस्क टू ट्रांसलेट देम इनटू हिंदी, सिमिलरली पैसेजेस इन हिंदी फ्रॉम द रिकॉर्ड्स और फ्रॉम सम अदर बुक्स एटसेट्रा शैल बी गिवन एंड द कैंडिडेट्स शैल बी आस्क टू ट्रांसलेट देम इनटू इंग्लिश। देखिए, यहाँ पर मेन जो जोर डाला जा रहा है किस पर, जो ट्रांसलेशन के पैसेजेस आपको आपसे पूछे जाएंगे वो जजमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स से पूछे जाएंगे। अर्थात न्यायालय में कोई भी जजमेंट हुआ और कोई भी केस आया तो उसका किस तरह का रिकॉर्ड रहा, बैकग्राउंड किस तरह का रहा, उसका एक अंश उद्धरण आपको ट्रांसलेशन करने के लिए प्राप्त होगा, ठीक है, और उसका आपको ट्रांसलेशन लक्ष्य भाषा में करना होगा। ये प्रमुखता से यहाँ कह दिया गया है। हम लोग तो सबसे पहली चुनौती इसी को नंबानेंगे कि जो पैसेजेस हम लोग उठाएंगे वो पैसेजेस जजमेंट्स हो या वो पैसेजेस हाई कोर्ट में रिकॉर्ड्स के रूप में वो आर्काइव में डला हुआ हो या रिकॉर्ड्स के रूप में सेफ हो, प्रिजर्व्ड हो, है ना, और उसमें हम लोग देखते हैं कि उसमें लीगल टर्म्स का प्रयोग काफ़ी बहुतायत रहता है, लीगल मैगजीम्स का प्रयोग बहुतायत रूप से उसमें किया हुआ रहता है, उसमें हम लोग लैटिन फ्रेजेस के प्रयोग भी देखने के लिए प्राप्त हो सकता है। अब बात उठती है कि लीगल टर्म्स, लीगल मैगजीम्स या लैटिन फ्रेजेस करनी कैसे है। फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि लीगल टर्म्स होते क्या हैं, उससे भी पहले हम लोग जान लेते हैं टर्म्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं पारिभाषिक शब्द। पारिभाषिक शब्द सामान्य शब्द से कैसे भिन्न है। फ्रेंड, जो पारिभाषिक शब्द होते हैं वो दरअसल डिफाइंड होते हैं, पहले से परिभाषित होते हैं, वो किसी खास क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं, जैसे विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले शब्द, विधि के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले शब्द, दर्शन के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले शब्द, चिकित्सा जगत में प्रयुक्त होने वाले शब्द, आर्थिक जगत में प्रयुक्त होने वाले शब्द, है ना, तो और वे जो भी शब्द
या प्रशासनिक शब्द, वे सारे के सारे शब्द जो किसी विशेष क्षेत्र में प्रयुक्त होते हैं और उन शब्दों का ट्रांसलेशन पहले से डिफाइंड रहता है। ये नहीं जनरल टर्म्स जिसे कहते हैं सामान्य शब्द, तो जनरल जो टर्म्स होते हैं उनके कई तरह के पर्यायवाची शब्द हम लोग पढ़ते हैं, रटते हैं, लेकिन जब पारिभाषिक शब्दों की बात होती है तो उसके पर्यायवाची शब्द होते नहीं हैं, उसके एक दो हार्डली आप सब्स्टिट्यूट देख सकते हैं, लेकिन बहुत तरह के आप पर्यायवाची शब्द नहीं देखेंगे। वे डिफाइंड रहते, पहले से ही बोल दिया जाता है कि इस शब्द का जो विधि के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाला शब्द होगा वो उसका अनुवाद यही होगा। आप दूसरे शब्दों का प्रयोग करते या सोच करके, जैसे कि जनरल टर्म्स को आप लर्न करते हैं तो दूसरा तीसरा पर्यायवाची शब्द आप दे देते हैं, लेकिन इसके सेंस में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, स्पष्ट हो गया यहाँ पर। अब बात करते हैं कि लीगल टर्म्स या लीगल मैगजीम्स या लीगल प्रोवर्ब्स या लीगल कोटेशंस या लैटिन टर्म्स जो लॉ से रिलेटेड है वो कहाँ से आपको प्राप्त होगा। फ्रेंड, आपको दो में से कोई एक कार्य करना पड़ेगा। आप या तो किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से, कोचिंग से जुड़ जाए जो आपको टू द पॉइंट लीगल टर्म्स बताएं, स्टडी नोट्स के रूप में दे, लीगल मैगजीन्स का लिस्ट दे दे, है ना। या तो आप ऐसा करें, यदि आप वो नहीं करना चाहते हैं तब आप इस सरकारी वेबसाइट में आ जाएं। कौन सा साइट है आप यहाँ पर देख रहे हैं, legislative.gov.in legal/legal-glossary/। आप इस वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर आपको देखने के लिए क्या मिल रहा है कि यहाँ आपको विधि से संबंधित ए से लेकर के जेड तक, आप जैसा यहाँ पर देख रहे हैं ए से लेकर के जेड तक आपको डिक्शनरी मिल रहा है। काफ़ी बृहत डिक्शनरी है, यह डिक्शनरी है, ग्लॉसरी है, बहुत बृहत ग्लॉसरी है, आपको इतना पढ़ना होगा, है ना। नहीं तो आपको खुद नोट्स बनाने पड़ेंगे, उसमें से छांटना होगा कि कौन आपके लिए बेटर होगा जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। ठीक है, इसमें आपको लीगल टर्म्स मिल जाएंगे, लैटिन टर्म्स भी आपको मिल जाएंगे। देखिए, अलग सा फाइल है, आप जस्ट डाउनलोड कर ले अपनी इंटरनल मेमोरी, अपने डिवाइस के इंटरनल मेमोरी में, और आप बहुत आराम से पढ़िए, आप उसका प्रिंट आउट वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, और तीसरा जो पार्ट है वो देखिए हिंदी से अंग्रेजी आपको दिख रहा है, चौथा पार्ट अरेबिक, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ज्यूरिसप्रूडेंशियल में इस्तेमाल होने वाले शब्द काफ़ी सारे आपको ग्लॉसरी से रिलेटेड यहाँ पर फाइल्स मिल जाते हैं, सारी फाइल्स को आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जो काफ़ी विस्तृत है और कहा जाए तो इनफ है, मोर देन इनफ है ना। लेकिन सेल्फ स्टडी करके आपको क्रीम शब्दों को, क्रीम लीगल टर्म्स को, क्रीम लैटिन मैगजीम्स को, क्रीम लैटिन प्रोवर्ब्स को, मैगजीम्स को छांटने होंगे। ओके, तो यहाँ पर आपकी जो आपके समक्ष में जो पहली चुनौती है कि टर्म्स कहाँ से लाएंगे, लीगल टर्म्स मुझे कहाँ से प्राप्त होंगे, लीगल मैगजीम्स हमें कहाँ से प्राप्त होंगे, लैटिन फ्रेजेस हमें कहाँ से प्राप्त होंगे, क्योंकि इन सभी चीज़ों का प्रयोग आपको ट्रांसलेशन के पैसेजेस में देखने के लिए प्राप्त होगा। और जब तक कि इसके बारे में आपके पास जानकारी नहीं रहेगी आप अच्छी तरह से ट्रांसलेशन कर नहीं सकते हैं, सामान्य ट्रांसलेशन ये है नहीं। ठीक है, इसलिए इस चुनौती का सामना करने के लिए आपको लीगल टर्म्स लर्न करने ही होंगे और उसका प्रयोग भी जानना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको करना क्या है कि जो IPC है, इंडियन पेनल कोड है, इसके बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। इससे संबंधित जो लीगल टर्म्स प्रयुक्त होते हैं, जब आप IPC पढ़ेंगे ना, IPC की इस तरह के सामग्री को पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इसमें किस तरह के शब्दों का समावेश हुआ है, और उन शब्दों को आपको नोट करते चला जाना है और ट्रांसलेशन पॉइंट व्यू से आप उसे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें आपको पढ़ लेने होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स है ना, जो प्रिविलेजेस जो दिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपके पास ज्ञान रहना चाहिए। तब क्या होगा कि आप
पैसेजेस जो पाएंगे वो आप पहले से पढ़े हुए रहेंगे उन सभी पैसेजेस को, तो ट्रांसलेशन करने में आसानी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चुनौती जो है वह है कि आपको इस तरह के पैसेजेस जिस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कहाँ से प्राप्त होंगे। ठीक है, लीगल टर्म्स तो आपको मिल गया, लेकिन पैसेजेस वो उद्धरण कहाँ से लाएंगे, वो अंश कहाँ से लाएंगे, वो रिकॉर्ड्स या जजमेंट्स कहाँ से लाएंगे जिसका आपको अनुवाद करना है ना। जजमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स पर आधारित पैसेजेस आपको मिलने वाले, तो इसके लिए भी कोई बड़ी चुनौती आपके पास है नहीं, आप बहुत आसानी से इस चुनौती को पार सकते, आप इसका निवारण प्राप्त कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि आप राजस्थान के ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे और जजमेंट्स वाले आप नेविगेशन पैनल में आपको जजमेंट्स करके एक बटन नज़र आएगा, आपको करना क्या है वर्नैकुलर जजमेंट्स वाले आप सब पैनल में आप जाएंगे, वहाँ पर जोधपुर में आप कोई भी इसमें से एक कोई ऑप्शन में जा करके आप जस्ट टिक करेंगे और आपको मैंने वहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जजमेंट्स हिंदी और अंग्रेजी में मिल जाएगा। लेकिन ये यह मत समझिएगा कि यहाँ पर ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगा, नहीं, अलग अलग जजमेंट्स है यहाँ पर। ठीक है, हिंदी पर क्लिक करेंगे तो हिंदी से संबंधित जजमेंट आपको मिल जाएगा, अंग्रेजी से संबंधित जजमेंट मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपको जजमेंट आसानी से प्राप्त हो जाएगा जिसका आपको अनुवाद करना है। अनुवाद करते समय में अब ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चुनौतियाँ आपके पास आने वाली है। तो दो तरह की चुनौती जो थी वो आपका तो दूर हो गया यहाँ पर, तीसरी तरह की जो चुनौती है कि जो आपने पैसेज को प्राप्त किया वो जो लीगल पैसेज था, लीगल ट्रांसलेशन था, उसकी राह में चुनौतियाँ ट्रांसलेशन करने की आती है। इसके लिए आपको करना क्या है कि ट्रांसलेशन में दक्षता आपको प्राप्त करना है, आपको दोनों ही भाषाओं पर पकड़ बनाने होंगे, हिंदी भाषा हो चाहे वो अंग्रेजी भाषा हो। ठीक है, दोनों ही भाषाओं पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, दोनों ही भाषाओं के व्याकरण पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हिंदी का जो वाक्य विन्यास होता है वो किस तरह का होता है, अंग्रेजी का वाक्य विन्यास होता है वो किस तरह का होता है। हिंदी से अंग्रेजी यदि ट्रांसलेशन किया जाता है तब ऐसी स्थिति में कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखा जाता है, अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन किया जाए तो कौन कौन सी विशेष बातों पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। आप एक उदाहरण से समझे, देखिए हिंदी का जो वाक्य विन्यास होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग कर्ता को रखते हैं, इसके बाद यदि कर्म रहता है तो कर्म को रखते हैं, इसके बाद हम लोग क्रिया को रखते हैं। एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, और यही यदि अंग्रेजी का वाक्य विन्यास हम लोग लेंगे तब वहाँ पर क्या होता है कि कर्ता को शुरू में रखते हैं लेकिन क्रिया कर्ता के तुरंत बाद प्रयुक्त हो जाता है और कर्म को हम लोग अंत में रखते हैं। ये एक सामान्य सा वाक्य विन्यास है, इस वाक्य विन्यास पर आपको ध्यान रखते हुए आपको हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी का अनुवाद करना है तो समस्या नहीं होगी, लेकिन हाँ कैसे करना है आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। सामान्य तरह के ट्रांसलेशन से इस तरह का जो ट्रांसलेशन होता है वो भिन्न होता है, क्योंकि इसमें हम लोग देखते हैं कि एक एक सेंटेंस 50-50 शब्दों का, कभी कभी तो 60-70 शब्दों का एक एक सेंटेंस हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। ऐसी स्थिति में होता क्या है, चुनौती क्या आती है कि कुछ अंश का ट्रांसलेशन हुआ तो पहले जो भी ट्रांसलेशन किए हुए थे वो भूल जाते हैं, है ना। हम लोगों को कोहियर करने में समस्या आती है कि किसको पहले रखा जाए, किसको बाद में रखा जाए, कैसे करके तरीका है ट्रांसलेशन करने की, तो इस तरह की कई तरह की चुनौतियाँ आती है। लेकिन जब तक कि आप ट्रांसलेशन करेंगे नहीं और ट्रांसलेशन का सल्यूशन देखेंगे नहीं और फिर उसका स्वमूल्यांकन नहीं करेंगे, बहुत ही मुश्किल है लीगल ट्रांसलेशन करना। ठीक है, तो तीसरी चुनौती यहाँ पर हुई क्या कि अनुवाद करने की। ठीक है, अनुवाद करने के लिए
आपको रिलेवेंट पैसेजेस तलाशने के बाद आपको आपके पास अन्य जो चुनौती जो आने वाली है वह है मूल्यांकन की, है ना। चौथा जो है वह है मूल्यांकन, कि आप मूल्यांकन कैसे करवाएंगे, क्योंकि आपके पास लीगल टर्म्स का ज्ञान है, लीगल मैगजीन्स भी आ गया, लीगल नॉलेज है ना, आईपीसी के बारे में जान लिया, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान लिए, आप एक छोटा मोटा लॉयर हो गए, अगर आप एलएलबी का डिग्री लिए हुए या आप जुडिशियल डिग्री कोई भी रखे हुए हैं तो आपके पास तो उसका ज्ञान है आपके पास। फिर जो जजमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स से रिलेटेड जो अंश हो सकते हैं वो भी, उसका भी कलेक्शन आपके पास अच्छा खासा है। आपने अनुवाद भी किया, अभ्यास काफ़ी किए, लेकिन आपने जो भी अनुवाद किया इतने सारे चीज़ों को रखते हुए, इसका यह पता कैसे लगाया जाए कि आपने जो अनुवाद किया है, आपका जो अनुदित पाठ है वह कितना सही है सभी स्तरों पर, चाहे वह व्याकरण का स्तर हो, चाहे वह सही शब्दों के चयन को लेकर के बात हो। मूल्यांकन तो करना होगा, क्योंकि आप स्व मूल्यांकन तो कर नहीं सकते। स्व मूल्यांकन करेंगे तो आपको तो लगेगा कि मैंने तो सही ही बनाया है, लेकिन जब तक कि किसी एक्सपर्ट को आप अपना अनुदित पाठ नहीं दिखाएंगे तब तक आपको अपनी गलतियों का एहसास नहीं होगा, ठीक है। इसलिए चौथा जो बड़ी चुनौती है वह है मूल्यांकन करवाना, है ना। मूल्यांकन अब क्या है कि यदि आपको लगता है कि मूल्यांकन के लिए हमारे पास कोई एक्सपर्ट नहीं है, या मैं किसी एक्सपर्ट का सहारा नहीं लेना चाहता हूँ, नहीं लेना चाहती हूँ, उसके लिए भी उपाय है। कौन सा उपाय है? आपको कम से कम इतना तो ज़रूर करना पड़ेगा कि विषय सामग्री जो है या पाठ्य सामग्री आपको कहीं से भी मिल जाए, जिसे हम लोग कहते हैं स्टडी नोट्स, पाठ्य सामग्री आपको प्राप्त करना होगा, जिसमें आप को मिलेंगे हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद, रेलेवेंट वो भी प्रासंगिक सल्यूशन के साथ आपको पाठ्य सामग्री प्राप्त हो रहा है। तब करेंगे वहाँ पर क्या कि जो भी आप ट्रांसलेशन करेंगे वो उस ट्रांसलेशन की ट्रांसलेशन का हल जो देखेंगे उस हल से आपको मिलान करना है। मिलान करने के बाद आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि किस तरह की गलतियाँ हुई हैं, ठीक है। तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट आप इस तरह से मूल्यांकन करके सीख सकते हैं, ओके। लेकिन बेटर यही होगा कि कम समय में, चूँकि जो एग्ज़ाम्स होती हैं लगभग दो से ढाई महीने में हो ही जाती है। अभी राजस्थान का जो अभी वैकेंसी आई हुई है तो वो अभी चलेगा, है ना। तो समझिए उसका 2 से 2.5 महीने और जोड़ दीजिए, जब क्लोजिंग डेट होता है उससे 2 से 2.5 महीना आप जोड़ लीजिए। आप मार्च या अप्रैल में देखिएगा कि इसका एग्ज़ाम हो जाएगा आपके हाथ में, लगभग 2 से 2.5 महीना, हार्डली 3 महीने का समय आपको प्राप्त होने वाला है। इतने कम समय में आपको ट्रांसलेशन 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 पर ही आपको कार्य करना है, ठीक है। तो पाठ्य सामग्री यदि आपको सही ढंग से प्राप्त हो जाता है, आपको मार्गदर्शन अच्छी तरह से प्राप्त हो जाता है, तब फिर इस तरह का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा समस्या आपके समक्ष में नहीं खड़ा करने वाली है। और यदि एक बार अंतिम रूप से चयनित हो जाते हैं तो फिर आपकी लाइफ बन गई, आप काफ़ी अच्छा लाइफ जी सकते हैं इस नौकरी के साथ, ठीक है। फ्रेंड, इस एग्ज़ाम से संबंधित पाठ्य सामग्री, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, वो भी मूल्यांकन के साथ, एप्लीकेशन हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, आनंदम ट्यूटोरियल्स एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिए और आप हमारे पाठ्यक्रम का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। शुभकामनाएं।